कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तेनाली राम के किस्से, जिसका शीर्षक है एक पहेली। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर अपने राज्य में घूमते रहते थे। वे प्रजा की तकलीफें ध्यान से सुनते और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करते। अधिकतर ऐसे मौके पर तेनालीराम उनके साथ होता था। इसी तरह एक बार महाराज और तेनालीराम श्रीरंगपट्टनम से गुजर रहे थे। यह शहर विजयनगर की सेना ने हाल ही में जीता था। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह जाकर उस किसान से पता लगाए कि वह कितना पैसा कमाता है और उस पैसे को किस तरह खर्च करता है। तेनालीराम उस किसान के पास गया और काफ़ी देर तक उससे बात करता है। वापस लौटकर उसने महाराज को बताया, महाराज उस किसान के पास 16 से 18 एकड़ जमीन है। वह राज्य को भूमि कर देता है। वह एक माह में 40 स्वर्ण मुद्राएं कमाता है और उसका परिवार बहुत बड़ा है, जिसका कर्ता धर्ता वह अकेला है। अपनी कमाई की 40 स्वर्ण मुद्राएं वह किस प्रकार खर्च करता है, महाराज ने तेनालीराम से पूछा। 10 मुद्राएं स्वयं पर, 10 मुद्राएं वह कृतज्ञता के लिए देता है, 10 मुद्राओं से वह अपना कर्ज वापस देता है और 10 मुद्रा वह ब्याज पर देता है, तेनालीराम ने जवाब दिया। महाराज को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने तेनाली से साफ साफ बताने को कहा। महाराज 10 मुद्राएं वह स्वयं पर खर्च करता है, तेनाली ने कहा। 10 मुद्राएं वह अपनी पत्नी पर खर्च करता है, जिसका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वह उसके घर परिवार का इतना ध्यान रखती है। 10 मुद्राएं वह अपने माता पिता पे खर्च करता है और उनका कर्ज उतारता है। बाकी की 10 मुद्राएं वह अपने बच्चों पर खर्च करता है और उम्मीद करता है कि बड़े होने पर उसके बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार वह पैसा ब्याज पे लगाता है। अरे वाह तेनाली, तुमने तो बहुत बढ़िया पहेली बना दी है, फिर कुछ सोचकर महाराज दोबारा बोले। तेनाली, इसका जवाब तब तक किसी को मत बताना जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार ना देख लो। ठीक है महाराज, तेनाली ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। उसी शाम को राजा कृष्णदेव राय ने खास दरबार बुलाया और दरबारियों के सम्मुख वही पहेली रख दी। खास दरबारियों की तो हालत खराब हो गई। काफी दिमागी घोड़े दौड़ाने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब एक दरबारी आर्य ने उन्हें संतावना देते हुए कहा कि वह एक दिन में इस पहेली का उत्तर ढूंढ लेगा। आर्य जानता था कि तेनालीराम महाराज के साथ गया था। उसने तेनाली से पूछा। पहले तो तेनाली ने बताने से मना कर दिया, पर जब आर्य उसके पीछे ही पड़ गया तो तेनाली ने उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। आर्य फटाफट एक थैली में 100 मुद्राएं ले आया। तेनाली ने उसे सही जवाब बता दिया। अगले दिन जब राज दरबार में आर्य ने महाराज को सही जवाब दे दिया तो वो समझ गए कि तेनाली ने अपना वादा तोड़कर पहेली का जवाब आर्य को बता दिया है। गुस्से में भरकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उससे वादा तोड़ने का कारण पूछा। महाराज गुस्से में, तेनाली मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार ना देख लो तुम किसी को जवाब नहीं बताओगे, महाराज ने तेनाली से नाराज होते हुए कहा। महाराज मैंने अपना वादा निभाया है, मैंने आर्य को जवाब बताने से पहले आपका चेहरा 100 बार देख लिया था, तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। हुजूर आर्य ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और हर स्वर्ण मुद्राओं पर आपका चेहरा है। राजा कृष्णदेव राय निरुत्तर हो गए
फिर वे जोर से हंसे और तेनालीराम को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।